गूगल क्रोम वाला ये टी रेक्स पिक्सल डायनासोर गेम तो हर किसी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर खेला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जिंदगी में इंटरनेट कभी ना कभी तो बंद हुआ ही होगा। लेकिन इस गेम के बारे में एक खास बात यह है कि आज तक कभी किसी ने इस गेम का एंड नहीं देखा, मतलब किसी ने भी इस गेम को आज तक कंप्लीट ही नहीं किया। और एक फैक्ट ये है कि इस गेम का एंड देखने के लिए आपकी 17 पीढ़ियां लग जाएंगी, या शायद आपको 17 बार जन्म लेना पड़ जाए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही गेम्स की खतरनाक एंडिंग्स के बारे में मजेदार फैक्ट्स, चाहे वो हो टेम्पल रन या हो आपका फेवरेट मारियो या फिर हो हम सबका फेवरेट कैंडी क्रश सागा। तो पबजी यानी BGMI और फ्री फायर की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं कुछ और गेमों की तरफ, और शुरू करते बिना किसी देरी के आज का फाड़ू वीडियो। भागते जाओ, भागते जाओ और भागते जाओ। ये है टेम्पल रन गेम का नारा, क्योंकि भैया इस गेम में बस भागना ही तो होता है। यहाँ पर आप एक बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो जो मंदिर से कुछ चुरा कर भागता है, और उसके पीछे मंदिर के कुछ एंशिएंट मॉन्स्टर पीछे लग जाते हैं, और फिर आड़े तेड़े रास्तों से भटकते हुए आपको इस मंदिर के कैंपस से बाहर निकलना होता है। लेकिन बाबा यहीं पे तो आता है ट्विस्ट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि इस गेम का एंडिंग आज तक किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपने इस गेम की एंडिंग खेली हो, लेकिन जरा याद करो, मोस्टली लोगों ने इस गेम में हाई स्कोर किया है, मतलब लोग कंपटीशन करते हैं किसका स्कोर किससे ज्यादा हाई निकल गया। लेकिन भैया मंदिर की इन गलियों की भूल भुलैया कभी भी खत्म नहीं होती, आप चाहे दिन भर या साल भर बैठकर इस गेम को खेलते जाओ, ये गेम आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस गेम के एल्गोरिथम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये गेम कभी खत्म नहीं होता। इसमें नए नए स्टेप्स अपने आप आती रहती है, नए नए मोड़ आते रहते हैं, और प्लेयर को खेलने में आता रहता है मजा। वो कब अपने दिन के घंटों इस गेम में बर्बाद कर देता है उसे पता ही नहीं चलता। तो मुझे कमेंट करके बता जरूर कि भैया तुम्हारा इस गेम में कितना स्कोर रहा था, हालांकि शायद अभी तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। सुपर मारियो मेरा और आपका सबका फेवरेट गेम, जो 1985 में लॉन्च हुआ था। आइला 1985 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब हमारे मारियो द प्लम्बर की उम्र हम लोगों से भी ज्यादा बड़ी है। ये गेम तो सभी ने खेला है, सबको मालूम है मारियो द प्लम्बर को एक क्वीन से प्यार हो जाता है, और मोगेम्बो जैसा ड्रैगन उस क्वीन को एक कैसल में बंद करके रखता है, और फिर प्यार में आवारा पागल दीवाना हुआ हमारा मारियो भागता जाता है। लेकिन फिर एंड में ड्रैगन और मारियो के बीच में होती है जबरदस्त फाइट। हालांकि इस गेम को ऐसा डिजाइन नहीं किया गया था कि इसकी एंडिंग कोई देख ही ना सके, तो आप में से बहुत से लोगों ने ड्रैगन को मारा भी होगा और क्वीन को जीता भी होगा। लेकिन क्वीन को जीतने के बाद आप खुद सोच रहे होंगे, यार ऐसी मशरूम की टोपी पहनने वाली क्वीन के लिए इतना झोलझाल, मतलब इतनी मगजमारी। कसम से इस गेम का नाम सुपर मारियो की जगह होना चाहिए था, लड़की का चक्कर मारियो, भैया लड़की का चक्कर। एनीवे ये गेम देखने में जितना सिंपल लगता है ना, उसकी लास्ट स्टेप को पार करना उतना ही मुश्किल होता है, और जिन लोगों ने इस गेम को दिल से खेला है मेरी तरह, वो लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। बात है 2014 की, गूगल का एक गेम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, क्योंकि भैया जैसे ही क्रोम पर नेट बंद होता था तो ये गेम चालू हो जाता था, और इस गेम की लोगों के दिल में इतनी ज्यादा दीवानगी थी कि भाई गूगल क्रोम खुद इससे परेशान हो गया, क्योंकि गूगल का काम क्या है भैया, आप क्रोम खोलो उस पर कुछ सर्च करो। अब लोगों ने तो इस गेम को खेलने के लिए अपना नेट खुद ही बंद कर दिया, और लगे घंटों गेम खेलने तो भैया गूगल का तो धंधा ही बंदा हो गया, ना क्रोम में कोई कुछ सर्च कर रहा था ना इंटरनेट चला रहा था। जिसको देखो आपने इंटरनेट बंद करके मोबाइल कंप्यूटर पर लगा डायनासोर को भगाने, और आखिर इस प्रॉब्लम से परेशान होकर गूगल की टीम ने फैसला किया कि इस गेम को वो लोग बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात इंटरनेट पर फैली भैया, लोगों में आक्रोश जाग गया, लोगों ने गूगल से साफ साफ बोल दिया कि अगर तुमने ये गेम बंद कर दिया तो हम तुम्हारा क्रोम यूज करना बंद कर देंगे, और भैया लोगों के आगे हार मानकर गूगल को ये गेम चालू रखना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने इस गेम को एंड्रॉइड पर भी लॉन्च कर लिया कि लो भाई जितने वेले लोग हो खेलो इसको, और आप यकीन नहीं करोगे कि एंड्रॉइड पर लॉन्च होने के बाद एक महीने में से 27 करोड़ लोगों ने खेला, या 27 करोड़ फालतू लोगों ने खेला। खेला तो खेला, लेकिन भैया इसके बीच में एक झमेला कि इस गेम को कोई एंड नहीं कर पाया, मतलब इस गेम को कोई पूरा नहीं खेल पाया, क्योंकि इस गेम के डेवलपर एडवर्ड जंक ने खुद बताया कि हमने इस गेम को ऐसा डिजाइन किया है कि इसको अगर आप रोज लगाते
लगातार खेलते हो तो इसके एंड तक जाने के लिए आपको 17 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मतलब एक इंसान को 17 लाख साल तक जीना पड़ेगा या उसकी 17 पीढ़ियां इस गेम को खेलेंगी। भैया ऐसा काम तो कोई वेल्लो का खानदान नहीं कर सकता है जिनकी 17 पीढ़ियां एकदम नल्ली हो, जिन्हें गेम खेलने के अलावा कोई काम ही ना हो। मतलब जिनका बच्चा पैदा होते ही उसे गूगल क्रोम पकड़ा दे कि बेटा तू पैदा हो गया खेल, एंड दिस सिनेरियो इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो भैया ना आज तक इस गेम को किसी ने खत्म किया है ना शायद अगले 17 साल तक कोई कर पाएगा। तो अगर इंटरनेट बंद होने पर आपने भी इस गेम को घंटों खेला हो और दिन से रात और रात से दिन कर लियो तो अपने आप को बड़ा चैंपियन मत समझना, क्योंकि अभी तो भैया 17 साल बाकी हैं। ये एक ऐसा गेम था जिसको बच्चे बूढ़े जवान और सभी लोगों ने खेला, सभी ने बहुत पसंद किया। एक टाइम पर तो भैया लड़कियों का स्टेटस सिंबल बन गया था ये गेम। मतलब कतई हर कोई इस गेम को अपने मोबाइल में टक 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 खेलते दिख ही जाता था। और ये गेम था कैंडी क्रश सागा। और बहुत से लोगों ने भैया इस गेम की सारी स्टेप्स को कंप्लीट करने का दावा भी किया कि हमने इस गेम को पूरा खेला है क्योंकि हम पूरे तरीके से नल्ले हैं। लेकिन भैया इसमें एक ट्विस्ट है, ये गेम भी एंडलेस है और ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। इसके एंड्रॉइड के वर्जन में करीब 6000 प्लस लेवल्स हैं और इसके पीसी और टैबलेट वाले वर्जन में 8000 प्लस लेवल्स हैं। लेकिन जो भी महान शख्स इस गेम के एंड तक पहुंच जाता है, जैसे ही ये गेम अपडेट होता है उसकी नंबर ऑफ लेवल और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर गेम को कंप्लीट करने का ताज आपके सिर से हट जाता है। तो प्रैक्टिकली ये भी दुनिया में एक ऐसा गेम है जिसकी एंडिंग आज तक किसी ने देखी ही नहीं है। अमंगस गेम तो आप सभी ने खेला होगा, बिल्कुल खेला होगा भैया, क्योंकि बीच में पबजी ने आपका साथ जो छोड़ दिया था। और इस गेम के डेवलप होने के पीछे है एक खास स्टोरी। इसके डेवलपर्स ने जब इसका पहला मैच खेला था, वो भी आपस में, तब उन्होंने इम्पोस्टर जैसे किसी कैरेक्टर को डिजाइन नहीं किया था। लेकिन उनमें से एक डेवलपर का दिमाग था थोड़ा तेज और उसने इन सभी बाकी के प्लेयर्स को इलिमिनेट करके स्पेस में छोड़ दिया और वो आखिरी अकेला सर्वाइवर बचा था स्पेसशिप में। और वो फाइनली कहलाया इम्पोस्टर, क्योंकि उसने सबकी पीठ में छुरा घोंपा। और उसके बाद इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक इंपोस्टर का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो भैया टेक्निकली अगर आप इस गेम को खेलते हो और लास्ट तक सरवाइव करते हो, भले ही आप इंपोस्टर ना हो और आपने सभी को निपटा के अकेले सरवाइव कर लिया, तो भी टेक्निकली आप भी इंपोस्टर हो। मतलब अगर आप इंपोस्टर हो तो भी इंपोस्टर हो, इंपोस्टर नहीं हो सरवाइव करते हो तो भी आप इंपोस्टर हो। एनीवे इस गेम को दोस्तों के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। और भैया फ्रेंड्स के साथ खेलने वाला मेरा फेवरेट गेम तो है मिनी विलिशिया। मतलब ये गेम उतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन भाई गेम अल्टीमेट है। और हाँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मिनी मिलिशिया। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया आपका फेवरेट गेम कौन सा था विच मेक्स योर चाइल्डहुड ऑसम। मुझे पता है 99% कमेंट BGMI और फ्री फायर के ही आने वाले हैं, बट फिर भी इनके अलावा भी अगर आप किसी गेम को बहुत पसंद करते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना। और हाँ यार, तुम लोग बोल रहे थे भूतिया वीडियो बनाओ, भूतिया वीडियो बनाओ। मैंने पिछला वीडियो भूतिया रेलवे पर ही बनाया था, मस्त हॉरर वीडियो था। देखा कि नहीं अभी तक? जाओ देखो, यहीं पर कहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।